आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, डेफिनेशन एंड सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। एंड आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें फर्स्ट टाइप है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, सेकेंड इज एसोसिएटिव एंड कॉजल हाइपोथेसिस, थर्ड इज डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, एंड फोर्थ इज नल एंड रिसर्च हाइपोथेसिस। अब हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है जो दो वेरिएबल्स हैं ये उनके बीच में रिलेशनशिप को शो करता है सिंपल हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल लोअर द लेवल ऑफ HB हायर इज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अमंग पोस्टपार्टम वुमेन। जो पोस्टपार्टम वुमेन हैं उनके हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने की वजह से उनमें रिस्क की इन्फेक्शन के रिस्क की क्षमता ज़्यादा होती है। ओके इसमें टू वेरिएबल्स प्रेजेंट है। देखिए फर्स्ट वेरिएबल लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड सेकंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ये टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन शो करता है, इसे ही सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। सेकंड इज कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ये किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है, टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप शो करता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। एग्जांपल सेटिस्फेक्शन इज हायर अमंग पेशेंट हु आर ओल्डर एंड ड्वेलिंग इन रूरल एरियाज देन दोज हु आर यंगर एंड ड्वेलिंग इन अर्बन एरियाज। जो रूरल एरिया के ओल्डर एज के पीपल्स हैं एंड जो अर्बन एरिया के यंग एज के जो पीपल्स हैं उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। इसमें फोर वेरिएबल्स प्रेजेंट है, फर्स्ट ये ओल्डर, सेकंड यंगर एंड थर्ड रूरल एरिया एंड फोर्थ इज अर्बन एरिया। ये इन चारों के बीच में रिलेशनशिप शो करता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस के। जो रूरल एरिया के ओल्डर एज के पीपल्स हैं उनमें हायर होती है पेशेंट, उनमें सेटिस्फेक्शन करने की क्षमता हायर होती है अर्बन एरिया के मुकाबले। ओके ये है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। एंड सेकंड इज एसोसिएटिव एंड कॉजल हाइपोथेसिस। फर्स्ट एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट एंड एसोसिएटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड वेरिएबल्स एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है, ये दो वेरिएबल्स के बीच में अटैच्ड होता है, मतलब अगर इसमें एक वेरिएबल चेंज होएगा तो दूसरा इसके फर्स्ट वेरिएबल्स के चेंज होने के वजह से दूसरा खुद ही अफेक्ट होकर चेंज हो जाएगा। वेयर दिस इज चेंज इज एनी वन ऑफ द वेरिएबल सो चेंज ऑल्सो अकर इन द अदर वेरिएबल्स। ओके इसमें क्या कहा है, अगर एक फर्स्ट वेरिएबल जिसे अगर ये फर्स्ट वेरिएबल चेंज होगा तो इसके चेंज होने से इसके इफेक्ट से सेकेंड वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा विथट मैनिपुलेशन, मतलब बिना किसी चेंज किए ये सेकेंड वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल के चेंज होने की वजह से खुद ही चेंज हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है टीचिंग मेथड, अगर हम टीचिंग मेथड एंड एग्ज़ाम स्कोर का एग्ज़ाम्पल लें, अगर टीचिंग मेथड ज़्यादा बेटर होगा तो एग्ज़ाम स्कोर भी ज़्यादा बेटर आएगा, अगर टीचिंग मेथड ही लो होगा तो एग्ज़ाम स्कोर भी स्टूडेंट का लो आएगा। सो टीचिंग मेथड इफ़ेक्ट होने से एग्ज़ाम स्कोर ऑटोमेटिक इफ़ेक्ट हो रहा है, तो इसमें ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ एंड ये डिपेंडेंट वेरिएबल, जो किस पर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। एंड इसमें सेकंड है कॉजल हाइपोथेसिस।
कॉजल हाइपोथेसिस स्टेट दैट एनी डिफरेंस इन द टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ वन पर्टिकुलर वेरिएबल्स इज गोइंग टू डायरेक्टली अफेक्टेड द डिफरेंस इन द टाइप और अमाउंट ऑफ द नेक्स्ट वेरिएबल इन द इक्वेशन। मतलब इसमें क्या होता है, जब एक वेरिएबल इफेक्ट होता है तो उससे दूसरे वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब इसको मैनिपुलेशन करना पड़ता है, मैनिपुलेशन करके ही इफेक्ट करना पड़ता है। बिना फर्स्ट वेरिएबल के इफेक्ट होने से दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट नहीं होगा। इसमें सेकंड वेरिएबल को अफेक्ट करने के लिए हमें मैनिपुलेशन करना पड़ता है, मैनिपुलेशन मीन्स चेंज करना पड़ता है। एंड थर्ड पॉइंट इज, थर्ड टाइप इज डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इसमें फर्स्ट है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। दिस हाइपोथेसिस वेयर वन कैन स्पेसिफिक प्रेडिक्ट एंड एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अफेक्टेड ऑफ वन वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल। मतलब इसमें क्या होता है, जब इसमें जो वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं ये नॉट स्पेसिफिक, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं होते, बट इनकी जो डायरेक्शन होती है वेरिएबल्स की ये स्पेसिफिक होती है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, गर्ल्स परफॉर्म बेटर देन बॉयज़। गर्ल्स बॉयज़ से बेटर परफॉर्म करती है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, बॉयज़ भी गर्ल्स से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें गर्ल्स वेरिएबल एंड बॉयज़ भी वेरिएबल है, एंड जो इनके बीच में बेटर है ये एक प्रेडिक्ट है, मतलब ये एक डायरेक्शन है कि गर्ल्स बॉयज़ से बेटर परफॉर्म कर सकती है, कोई प्रेडिक्ट नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब गर्ल्स बॉयज़ से नेगेटिव भी परफॉर्म कर सकती है एंड बॉयज़ गर्ल्स से नेगेटिव परफॉर्म भी कर सकते हैं, कोई प्रेडिक्ट नहीं है। इसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक होती है बट इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं ये स्पेसिफिक नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। दिस हाइपोथेसिस वेयर वन डज नॉट प्रेडिक्ट द काइंड ऑफ इफेक्ट बट इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है, जो इसमें वेरिएबल्स स्पेसिफिक होते हैं बट इनकी जो डायरेक्शन होती है वो स्पेसिफिक नहीं होती। जैसे एग्जांपल, देयर विल बी डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। मतलब इसमें जो गर्ल्स हैं ये गर्ल्स का ही परफॉर्म करेंगी एंड जो बॉयज़ हैं ये बॉयज़ का ही परफॉर्म करेंगे, इन दोनों की डायरेक्शन अलग हो गई, स्पेसिफिक नहीं है। गर्ल्स गर्ल्स वाला ही परफॉर्म करेंगे एंड बॉयज़ बॉयज़ वाला। सो इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ तो वेरिएबल्स हैं एंड जो डिफरेंस है ये नॉट प्रेडिक्ट, मतलब ये कोई प्रेडिक्ट नहीं है, इसमें दोनों में डिफरेंस प्रेजेंट है। ओके, डायरेक्शन में क्या था, जो वेरिएबल्स थे वो स्पेसिफिक थे एंड जो इनकी डायरेक्शन थी वो स्पेसिफिक, सॉरी जो डायरेक्शन में क्या था, जो वेरिएबल्स थे वो स्पेसिफिक नहीं थे बट इनकी जो डायरेक्शन थी वेरिएबल्स की वो स्पेसिफिक थी। जैसे जैसे गर्ल्स परफॉर्म बेटर देन बॉयज़, अब इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, बॉयज़ भी गर्ल्स से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। एंड नॉन डायरेक्शन में क्या है, इसमें जो वेरिएबल्स हैं ये है स्पेसिफिक होते हैं, मतलब इनका वर्क ये ही करेंगे, जैसे गर्ल्स का परफॉर्म गर्ल्स ही करेंगे एंड बॉयज़ का परफॉर्म बॉयज़ ही करेंगे, बट इनकी जो डायरेक्शन है ये स्पेसिफिक नहीं होती, इन दोनों की डायरेक्शन अलग होती, गर्ल्स वाला गर्ल्स ही परफॉर्म करेंगे एंड बॉयज़ का बॉयज़ ही परफॉर्म करेंगे। एंड नेक्स्ट फोर्थ टाइप इज नल एंड रिसर्च हाइपोथेसिस। नल मीन्स ज़ीरो, इट इज़ ऑल्सो नोन इज एज स्टैटिकल हाइपोथेसिस। इसे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं एंड इट यूज फॉर स्टैटिकल टेस्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिकल आउटकम्स। मतलब इसमें जो रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स का, कोई कोरिलेशन प्रेजेंट नहीं होता वेरिएबल्स के बीच में,
बट ज़ीरो होती है, ज़ीरो हाइपोथेसिस प्रेजेंट होती है। जैसे इच प्रेडिक्ट दैट देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप प्रेजेंट नहीं होता नल हाइपोथेसिस में। एन अजम्पशन दैट विल बी मेंटेन बाय द रिसर्चर अनलेस द एनालिसिस ऑफ डाटा प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एविडेंस टू डिसप्रूव इट। मतलब इसमें अजम्पशन प्रेजेंट होती है, कोई पर्टिकुलर डाटा प्रेजेंट नहीं होता इसको प्रूव करने के लिए, इसके सिग्निफिकेंट एविडेंस को प्रूव करने के लिए कोई पर्टिकुलर डाटा प्रेजेंट नहीं होता, सब अजम्पशन बनकर रह जाता है। अजम्पशन जैसे एग्जांपल, इन क्लिनिकल ट्रायल देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग्स। जैसे ये एक ड्रग एंड ये सेकेंड ड्रग, अब इन दो ड्रग के बीच हम डिफरेंट देखेंगे, दोनों सेम ड्रग, सेम कैटेगरी के ड्रग है, दोनों सेम कैटेगरी के ड्रग है, अब हम इन दोनों ड्रग में डिफरेंट देखेंगे तो डिफरेंट नहीं आएगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं आएगा, दोनों एक ही चीज़ ही है, तो इसमें कोई हाइपोथेसिस प्रेजेंट नहीं है, दोनों सेम है, तो इसमें ज़ीरो नल हाइपोथेसिस है। एंड इसके अपोजिट देखेंगे रिसर्च अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड इट स्टेट द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है, ये नल हाइपोथेसिस की अपोजिट है। नल हाइपोथेसिस में तो कोई भी रिलेशन प्रेजेंट नहीं था, बट इसमें दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है। दिस हाइपोथेसिस टू बी एक्सेप्ट व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अगर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जांपल के लिए क्लिनिकल ट्रायल द न्यू ड्रग इज़ बेटर देन द करेंट ओल्ड ड्रग। ओके, अब जैसे ये कोई ओल्ड ड्रग थी उसी कैटेगरी की एंड ये न्यू ड्रग है उसी कैटेगरी की, बट इसमें न्यू वर्जन हुआ है, इसमें कुछ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एंड ये ओल्ड ही है, पहले ही जैसे ड्रग जैसे नल हाइपोथेसिस में थी इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इन दोनों हाइपोथेसिस में एक अल्टरनेटिव रिलेशन प्रेजेंट है, तो इसे रिसर्च एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इन दोनों में कोरिलेशनशिप प्रेजेंट होता है, वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशनशिप प्रेजेंट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, थैंक यू।